आज हम बात कर रहे हैं टमेटो यानी टमाटर से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने चेरी टमेटोज के बारे में बात किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन, पोटेशियम, फोलेट, वाइटमिन सी और वाइटमिन के का। ये हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए और हेल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लंग कैंसर या स्टमक कैंसर से भी हमारा बचाव करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, तो इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार, मैं हूँ होम कुक रूमा और मैं करती हूँ आपका स्वागत डियर फूड में। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की कढ़ी। ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये अच्छा रिप्लेसमेंट है दाल का। कभी कभी आप दाल की जगह पे इसे भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आने वाली है। नाउ जॉइन मी, विल कुक टुगेदर। हम यहाँ ले रहे हैं 3 बिल्कुल पके हुए मीडियम साइज के टमाटर, थोड़ा सा करी पत्ता और थोड़ा सा फ्रेश धनिया का पत्ता। टमाटर को हमने चाकू की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है जितना हो सके, और धनिया पत्ता और करी पत्ता को भी हमने तैयार कर लेना है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ लगभग 2 चम्मच बेसन, और इसके साथ ही ये है पॉपी सीड या जिसे हम खसखस या पोस्तो कहते हैं वो है। इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए मैंने पानी में फुला लिया था और उसके बाद इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और चलिए, इसके बाद हमने एक कढ़ाई को गर्म करना है, और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो हमने इसमें सरसों का तेल डालना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 चम्मच राई डाल रही हूँ जिसे काला सरसों कहते हैं, और 2 सूखा लाल मिर्च डाला है, और करी पत्ता डालकर मिला लेते हैं। उसके बाद कटे हुए सारे टमाटर को हमने इसमें डाल लेना है। उसके बाद मैं 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच जीरा का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमने मसाले को अच्छी तरह से पकाना है। स्वाद के लिए नमक डाल रही हूँ, पहले ही नमक डाल लीजिए, इससे टमाटर को गलने में मदद मिलेगी। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक लेती हूँ। 2 मिनट के लिए ढकेंगे तो ये टमाटर जो है अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, और इसके बाद हम एक मैशर की हेल्प से टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। मसाला और टमाटर इस तरह से देखिए, पानी लगभग सूख गया है और पक चुका है। अब हमने ये पेस्ट जो खसखस का तैयार किया था वो इसमें डाल लेना है, और हमने 2 चम्मच बेसन लगभग इसमें डाल लेंगे। तो ये लगभग 2 चम्मच लगभग हमने बेसन डाल लिया है, इसे मिला लेते हैं। हल्का सा पानी डाला है ताकि इसमें लम्स ना बने, और एक मैशर की हेल्प से इसे मिला लेते हैं। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें अच्छी क्वांटिटी में पानी डाल देंगे। और इसके बाद मैं कटा हुआ धनिया पत्ता डाल रही हूँ, और इसके बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रख कर हमने इसे कुक करना है। ना गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला। और ये बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। दाल की जगह पे कभी कभी आप इसे खा सकते हैं। ये रोटी के साथ और चावल दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करिए, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन कीप ईटिंग एंड टेक केयर।